संस्कृत भारती शिवपुरी द्वारा खनियादाना में आयोजित किया गया संस्कृत सम्मेलन, महिलाओं छात्र छात्राओं के साथ नगर के वरिष्ठ जन संस्कृत सम्मेलन में हुए शामिल। देव भाषा संस्कृत को अपनाने और संस्कृत बोलने पर दिया गया जोर। संस्कृत भारती शिवपुरी के तत्वाधान से खनियादाना नगर में एक विकास खंड स्तरीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें खनियादाना तहसीलदार महोदय श्री दिनेश जी चौरसिया के साथ नगर के अन्य गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ नगर की महिलाएं एवं पुरुष बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सरस्वती का पूजन कर दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। बाबूलाल जी यादव एवं श्री हरि बहादुर मीणा की अध्यक्षता में संस्कृत सम्मेलन प्रारंभ हुआ। प्रमुख प्रवक्ता के रूप में श्री प्रदीप जी लक्षाकार एवं श्री सुरेश जी शर्मा द्वारा छात्र छात्राओं को संस्कृत बोलने और संस्कृत भाषा को अपनाने के फायदे बताए गए। देव भाषा संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, ऐसा बताते हुए बच्चों को संस्कृत बोलने का तरीका सिखाने का प्रयास प्रबुद्ध जनों के द्वारा किया गया। संस्कृत सम्मेलन में शामिल छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर संस्कृत बोलने का प्रयास किया। इस अवसर पर सतीश जी रजक द्वारा संस्कृत गीत का बहुत ही सुंदर गायन किया गया। सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं छात्र छात्राओं एवं नगर के सम्माननीय नागरिकों ने प्रतिदिन एक घंटे संस्कृत पढ़ने और बोलने का प्रयास करने का प्रण लिया। कार्यक्रम की समाप्ति पर पुष्पेंद्र जी रजक द्वारा उपस्थित लोगों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। हमारा उद्देश्य है संस्कृत सभी तक पहुँचे, ये किसी एक की भाषा नहीं है, ना मठ मंदिरों की पंडितों की भाषा है, ये सभी की भाषा है। संस्कृतम सर्वत्र, संस्कृतम सर्वेषां, सभी के लिए है ये, और इसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। ये जनभाषा बने और कंप्यूटर में ये सिद्ध हो चुका है कि ये कंप्यूटर की सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। तो कंप्यूटर का युग इस समय चल रहा है, तो कंप्यूटर के लिए सभी सारा संसार इसमें लिप्त होगा और सारे संसार की भाषा ये बनेगी, ऐसा उद्देश्य है। संस्कृत भारती एक अभियान चला रही है जो इस समय मध्य भारत प्रांत में प्रत्येक जिले में जिला सम्मेलन के रूप में चल रहा है। इसके पश्चात विकासखंड स्तर पर हमारे ग्रामे ग्रामे संस्कृतम, नगरे नगरे संस्कृतम, ये संस्कृतम के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय सम्मेलन आरंभ हो रहे हैं। खनियादाना में ये पहला सम्मेलन इसी क्रम में हुआ है। भविष्य में और भी ऐसे कार्यक्रम रहेंगे आपके? हाँ बिल्कुल, हमारे शिवपुरी जिले में प्रत्येक विकासखंड में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है।